अभी बोरिंग रोड में हमारे घर से जस्ट 900 मीटर की दूरी पे है। लोग जा रहे हैं स्टेशन की ओर, जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा मित्र है, ऑल टाइम एवरी टाइम ऑलवेज विद मी इन एवरी मोमेंट एवरी मौसम सब समय। देख रहे हैं ये पटना उच्च न्यायालय का कैंपस है। राइट नाउ वी आर इन पटना हाई कोर्ट कैंपस। एक्चुअली वी टेकिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द रेलवे स्टेशन। पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन एंड दिस स्टेशन बिल्ड इन द ईयर ऑफ 1861। यू कैन लुक इन फ्रंट देयर एंड दिस इज द न्यूली ग्राफिक इन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। सो आई विल कैच यू इन ट्रेन। पटना रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और अभी हमारी जो ट्रेन है वो यहीं से है। आपको मैं उस ट्रेन का डिटेल भी दिखा देता हूँ जो आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं। ये हमारी ट्रेन है जो कि 6 बजे है और कल सुबह 8 बजे मैं दिल्ली पहुँचूँगा। तो ये आप देख रहे हो ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है जो कि आ गई है। मैं अभी इसमें जाऊँगा, बैठूँगा, फिर मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाऊँगा कि ट्रेन कैसी है। ये S5 है, मैं हमारा सीट है और मैं अभी अंदर आ गया हूँ। ये मेरी अपर वार्डी बर्थ है और ये इंडियन रेलवे है और मैं अपने बर्थ पे आ चुका हूँ आराम से। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके। और मैं आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ चारों तरफ कि कैसा है यहाँ का इंडियन रेलवे। यू कैन लुक विच टाइप ऑफ इंडियन रेलवे इज़ हेयर एंड दिस इज़ द वन टाइप ऑफ द डिवाइडर फ्रॉम दैट साइड अनदर पर्सन एंड दिस साइड अनदर पर्सन एंड हेयर आई एम सिटेड। यू कैन ऑल्सो लुक बॉटम एंड सब एवरीथिंग इज़ देयर। ये मुगल सराय रेलवे स्टेशन इसका पहले नाम था और अभी इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो अभी जो टाइम हो रही है वो 10 हो रही है और मैं 10 बजे यहाँ पे पहुँच गया हूँ। एक्चुअली इसका जो टाइमिंग था यहाँ पहुँचने का 10:30 था, तो 30 मिनट्स बिफोर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ कि ये हमारी ट्रेन है जो कि आप सामने देख रहे हो। वी आर लिविंग फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। इट इज इन सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश। इट्स अ क्लीन नाउ अ डेज बिकॉज इट्स अ स्वस्थ भारत एंड दैट्स वाई नाउ अ डेज रेलवे स्टेशन इज क्लीन एवरीवेयर। सो दिस वन इज द पटना दिल्ली राजधानी। हम जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। अभी मैं मेट्रो लूंगा। लिटिल कन्फ्यूज वेयर आई हैव टू बी गो, कैन आई गो टू रोहिणी और नोएडा, स्टिल वी डोंट डिसाइड। सो व्हेन आई एंटर इन मेट्रो दैट टाइम आई हैव टू बी थिंक। राइट नाउ आई मीन आउटसाइड ऑफ द रेलवे स्टेशन। ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज द मेट्रो स्टेशन। आई हैव टू बी कैच मेट्रो एंड रीच टू माई डेस्टिनेशन। दिस इज द न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। कैन लुक इन फ्रंट ऑफ मी। So I reach Kashmiri Gate and here after I have to be changed different color metro. Now I have to take red line metro. From here to I have to go Chala, that is the last. After that I have to catch some private metro. Then I have to reach the destination. So you can look in front of me, that is the red line. ये लाल लाइन है और इससे मैं अभी Chala जाऊँगा और वहाँ से मैं अपने फ्लैट पे जाऊँगा। ये जो मेट्रो आप देख रहे हो ये मुझे रिठाला ले जाएगी और जो कि लास्ट स्टेशन है। यू कैन लुक द स्मॉल स्टेडियम वेयर यू कैन कम एंड प्रैक्टिस इन द स्मॉल डिपो। लास्ट स्टेशन इन रेड लाइन। दिस इज माई कार्ड एंड आई एम गोइंग टू टच हेयर एंड यू कैन लुक 30 rupees इट विल बी टेक। नाउ आई केम आउट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, यस, इन गेट नंबर 2। हेयर आई हैव टू बी कैच दैट मैजिक। आई रीच, यू कैन लुक देयर बोर्ड इन किस्तिकार नगर जैन नगर। फ्रॉम हेयर आई हैव टू वॉक 600 meters टू रीच, सो आई विल कैच देयर। दिस इज एरिया लोकेलिटी एंड सोसाइटी, दिस ऑल जैन नगर। सो यू कैन लुक फाइनली आई रीच।
We are ready to going Dehradun. Now time is 10 o'clock in night. And today we are going two people, me and my friend Digvijay. And afterwards, we are going just for knowing the road. How is the road? Then we are go by car. So well guys, I am Dhananjay. Right now I am in Delhi. And now we are moving to Kashmiri Gate. And from there we catch the bus. And for that we paid 500 rupees. And travel time is 8 hour approx. I don't know exact, but I will catch you somewhere in road and middle the bus, inside the bus. If some mal is there, I will show there. Mal means item. I will show in bus. So till that, catch me. अभी हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे और यहाँ से आश्रम जाएंगे. तो मैं और हमारे प्रिय मित्र जा रहे हैं इस रात में और अभी हम लोग हैं. सो राइट नाउ वी आर इन सादीपुर मेट्रो स्टेशन. माई फ्रेंड इज कार्ड बैलेंस गेटिंग ओवर, रिचार्ज कर रहा है मेट्रो कार्ड. देख रहे हो हम लोग मेट्रो के अंदर आ गए हैं और हम दौड़ रहे हैं. यस यस यस, एक मेट्रो हम लोगों से छूट गया, थोड़ा लेट हो गए हैं. और आप देखो ये हम सादीपुर में हैं. ये मेट्रो आ गई है, ये वैशाली जाने वाली मेट्रो है. और इसी मेट्रो से दो तीन स्टेशन के बाद हम लोग आर के आश्रम में उतर जाएंगे, के अंदर भी जाने वाला हूँ. सो यू कैन लुक दिस मच एम्प्टी, नो वन इज देयर, टोटली वैकेंट, पूरा पूरा खाली है मेट्रो स्टेशन. और मैं अभी बैठ गया हूँ और रात 10 बज रहे हैं, इस वजह से ये मेट्रो स्टेशन खाली है. हम लोग आर के आश्रम उतरेंगे. हम आर के आश्रम पहुंच गए हैं और यहीं से हमारा बस है जो कि रात के 10:45 पे है. गेट नंबर 1 से हम चढ़ेंगे और देहरादून में वहां पे जो बस स्टैंड है वहां उतरेंगे. तो आप ये देखो इतना पैसा कट हो गया है. हम लोग जब बस की रास्ते खोज रहे थे कि बस कहाँ पे लगी है, तो रास्ते में हमें ये अंकल जी मिले ठेले वाले और हम यहाँ पे अंडे खा रहे हैं. अब चाय पीने जा रहे हैं, पीने के बाद बस में जाएंगे और आराम से बैठेंगे. तो आप देख रहे हो अभी हम लोग चाय खोज रहे हैं रात के 11 बजे. तो अभी हम लोग चाय वाले भैया के पास आए. तो आप ये देख रहे हो ये स्पेशल चाय है. तो अभी मैं ये चाय का चुस्की ले रहा हूँ, आप ये देख सकते हो. चाय तो अच्छी है भाई. तो ये 10 रुपया का चाय है, नहीं अच्छा लग रहा है. तो आप जो सामने देख रहे हो यही वाली बस है और यही बस से हम लोग अभी जा रहे हैं देहरादून. तो ये बस 11 बजे रात को खुलने वाली है और हम लोग ने टाइम पे पहुंच गया है और अभी हम लोग बस के अंदर जाएंगे. मैं बस के अंदर जा रहा हूँ. तो आप देख रहे हो अभी अंदर हम लोग आ गए हैं, निकल रहे हैं देहरादून की तरफ और सुबह 7 बजे पहुंचेंगे. और ये हमारे भैया जी हैं जो भैया जी को मदद करेंगे चलाने में. क्या सर, सुबह 7 बजे तक पहुंच जाएंगे ना? सुबह 6 बजे भैया जी एश्योरिटी दे रहे हैं कि सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे. मलाएंगे बैठिए बता. नहीं तो यहाँ से दिखा दो. तो अभी आप देख रहे हो लास्ट पार्ट है कॉर्नर, ये बस है भाई. ऊपर में स्लीपर है, नीचे कैबिन है. सही है जो भी है. देख रहे हो अभी हम टोल टैक्स क्रॉस कर रहे हैं. ये अभी हम मेरठ में हैं. 11 बजे जर्नी शुरू किया था और अभी 2 बज रहा है. राइट नाउ आई एम इन द 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की एंड ऑन द वे टू द आफ्टर आई थिंक वी रीच देयर 6 मॉर्निंग. दिस गाइस इज द कंडक्टर. इसमें बात भी होती है क्या? हाँ बात भी होती है. हाँ तो मैं कैसे सुनाई दे रहा है? मैं खुद से बात कर रहा हूँ इसमें. 30 किलोमीटर आप ये देखो ये हरिद्वार है. ठीक है मैं यहीं पर बैठा. तो आप देख रहे हो लगभग पूरा खाली हो गया हरिद्वार में. तो ये मैं हूँ और अभी सुबह का 4 बज रहा है और सब यहाँ उतर गए हरिद्वार में. अभी हम लोग देहरादून पहुंच गए हैं और 1 घंटे 30 मिनट्स पहले वो उसने पहुंचा दिया. और अभी मैं चाय का चुस्की ले रहा हूँ. टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस, हेयर लिटिल कोल्ड एंड सो आई डिडंट ब्रिंग एनी क्लॉथ्स विथ मी. सो आई हैव अ शॉल, यूजुअली आई कीप दिस शॉल विथ मी. सो नाउ आई एम कवरिंग माई बॉडी विथ दिस शॉल एंड ट्राई टू सेविंग माई सेल्फ बाई दिस कोल्ड वेदर एंड यूजिंग दिस टी.
है रॉयल ऑटो एंटरप्राइजेज डील्स बाइक रेंटल, तो आप यहां से सस्ते में बाइक ले सकते हो। हमने फोन पे सर से बात किया था तो 500 रुपीज उन्होंने बताया था कि एक्टिवा ले रहा हूं, जो कि मैं उन्हें कन्विंस किया, 450 बोला। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, अब जब आप यहां आओ तो यहां से ले सकते हो। ये मतलब मेन रोड पे ही है, ISBT से 500 बिफोर यली है, मतलब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहां आ गए हैं, ये यहां से अब हम लोग बाइक हायर करेंगे और पूरा देहरादून घूमने वाले हैं। सर जी हमें अब स्कूटी प्रोवाइड करेंगे ताकि हम घूम सके देहरादून सर का शहर। तो कौन सा दे रहे हैं सर? दिस स्कूटी बी हायर, नंबर इज UK07TV36। फाइनली हम लोगों ने स्कूटी ले लिया है, अब हम देहरादून के सड़कों पे इधर उधर भटक रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख रहे हो डबल हेलमेट हो गया है। तो अभी हम घूमते हैं देहरादून। तो ये सब जो आप देख रहे हो ये सब यूनिवर्सिटी है जो कि देहरादून में भी हमें मिला है देखने को। चोरी के रास्ते में जैसे कि आप देख रहे क्यों उसने हम लोगों से 50 रुपए लिया। आप हमारे बाएं साइड देख रहे होंगे वो जो दिख रहा है वो देहरादून सिटी है। कितना ही खूबसूरत नजारा दिख रहा है ऊपर से, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देख रहे हो ना पहाड़े छोटे छोटे कितने अच्छे दिख रहे हैं। 8 किलोमीटर की सफर और रह गई है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं साइन बोर्ड पे मसूरी 8 किलोमीटर। में बहुत ही तेज हवा लग रही है, हेलमेट बंद कर लेते हैं भाई लोग। क्लियर पिक्चर ऑफ माउंटेन, इतना ही भव्य नजारा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेस्ट में आ गए। आप देखिए पहाड़ों पे एकदम जंगल जैसा दृश्य। थोड़ा देर रुकते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं, बहुत देर से हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तुझे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम जो है मसूरी लेक के पास पहुंच चुके हैं और 4-5 किलोमीटर की और दूरी है जो कि टॉप पे जाने के लिए है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं फिर आगे जाएंगे। तो आप ये देखो हम मसूरी के रास्ते में हैं और देहरादून से मसूरी की डिस्टेंस अप्रॉक्स 36 किलोमीटर है। आप देखो रोपवे है नीचे, क्या सिनेरियो है। अभी टाइम जो है 4 बज रहे हैं शाम के। आफ्टर ड्रिंकिंग टी फ्रॉम दिस स्मॉल टेंट हाउस नाउ वी प्रोसीड टू गो हायर, मीन्स लाइक अ टॉप पॉइंट एंड देन आई विल बी सो फ्रॉम देयर व्हाट इज फीजिबल लाइक अ सिटी। कोरोना इफेक्ट जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं ये दिख रहा है मसूरी जहाँ हम लोग जाने वाले हैं कुछ ही मिनट के बाद।
फाइनली पहुंच गए पिक पॉइंट मसूरी में। तो आइए बाइक को अब पार्क करते हैं और नीचे उतरते हैं। सो नाउ यू कैन लुक, आई रीच मसूरी और ये व्यू पॉइंट है मसूरी का। तो मैं मसूरी पहुंच गया हूं और ये व्यू Finally I reached Mussoorie peak point and you can look behind me, that is the city, and whatever you looks like a dust, that is not a dust, it's a cloud, and I feel too much freezy here because very cold wind is blowing, and I am right now 10,000 foot away from the land. And you can look in front of me, that is the road, by that way only we reached here. So main aapko pura 360 degree mein dikha deta hu. Ye jo aap samne dekh rahe ho ye dhool nahi hai, ye badal hai. Aur main mere awaaz se aap samajh rahe hoge ki main kitna thar thara raha hu, kyunki mujhe bahut thand lag rahi hai. Sikh जी टेम्पल इज देयर और सामने जो आप देख रहे हो वो पुलिस चौकी है एंड बिहाइंड मी सीन इज देयर। ब्यूटीफुल स्काई, जैसा कि आप देख रहे हो अभी हम लोग जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर देखने, LBSNN। LBSNAA, दैट इज द लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑल UPSC सेलेक्टेड कैंडिडेट। दीज आर द होस्टल गंगा कावेरी नर्मदा। कितना खूबसूरत रोड है ना, और जो आप हमारे बाएं साइड देख रहे हो ये हॉर्स राइडिंग है। यहाँ पे जो लोग आते हैं सेलेक्टेड होके वो अपने घोड़े को प्रैक्टिस करते हैं। देहरादून स्ट्रेट 32 किलो। वहाँ कितना भव्य नजारा है ना, आप देख रहे हो ये बादल उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे देखो आसमान में चल रहे हैं, और इतना शानदार रोड है। देहरादून 29 किलोमीटर और सफर करनी है। मोहब्बत काला हो गया हूँ, काला दिल की तरफ है ये इंतजार। मोहब्बत भाई साहब कितना मस्त ड्राइविंग स्किल है इनके पास, लेकिन अगर एक मिस्टेक हुई तो बेचारे जानते से निहान दो बैठेंगे। सेफ ड्राइव ब्रदर। चारों तरफ रास्ता जाता है, ये डाइवर्सन है मसूरी के। नाउ वी आर गोइंग टू ईट पिज्जा। ये हमारा बिल हुआ और ये हम हुए और ये हमारा पिज्जा हुआ खाते हुए। पिज्जा हमेशा टेस्टी ही होता है, समझ रहे हो? तो हम खा लेते हैं, खाने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे और इसी कंपनी का बस वापस में दिल्ली जा रहे हैं। फाइनली आई रीच कश्मीरी गेट, फ्रॉम हेयर आई हैव टू बी कैच मेट्रो टू रीच माई प्लेस। तो मैं मेट्रो पकड़ने के लिए उस तरफ से एंट्री किया और इस तरफ से बाहर निकल रहा हूँ। हेयर आया
So finally we are in Kashmiri Gate metro station and it's an awesome journey. This is the bomb detection team in Delhi police. Bada. So only 12 rupees in my metro card and now it will be going to be minus when I get out of the metro station. तो अभी आप देख रहे हो हुड्डा सिटी सेंटर की ओर मेट्रो जाने वाली है, ये येलो लाइन है और मैं इससे शहर राजीव चौक जाऊंगा और राजीव चौक में उतर जाऊंगा और वहां से मैं ब्लू लाइन पर। तो -19.7 बैलेंस हमारे कार्ड में हो गए हैं। आप देख रहे हैं मैं जो हूँ अभी ट्रेन के अंदर हूँ और ये हमारी राजधानी ट्रेन है और मैं दिल्ली से पटना जा रहा हूँ और ये आप देखिए दिल्ली का रेलवे स्टेशन जो आप हमारे सामने देख रहे हैं। दो मिनट के अंदर तिलक ब्रिज क्रॉस कर गया और बताइए लोकल ट्रेन आने में कितना टाइम लगता है। यहाँ हमारे सामने देखने कितना ही भव्य नजारा आ रहा है। वो जो आप मेरे सामने मेट्रो देख रहे हो वो ब्लू लाइन मेट्रो है और जो लेफ्ट की ओर जा रही है वो आपको जाएगी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक और जो राइट की ओर जा रही है वो जाएगी द्वारिका सेक्टर 21 तक। और इसी ब्लू लाइन की रूट में हमारी सिस्टर रहती है जो कि है गोल्फ कोर्स के आगे सेक्टर 39 नोएडा। इतना खूबसूरत लग रहा है ना, ये सब यमुना नदी के बगल में सब झाड़ जंगल है। इंडियन रेलवे तो फाइनली पटना पहुंच चुके हैं जैसा कि आप सामने देख। गेट नंबर 2 से मैं एग्जिट कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म के बाहर और यहाँ पे टोटल 4 गेट नंबर हैं, वन साइड से और अनदर साइड से 2 गेट हैं, तो टोटल 6 गेट हैं बोथ साइड मिलाकर। सामने देख रहे हो ये बहुत ही फेमस हनुमान जी का टेंपल है जो कि रेलवे स्टेशन के बगल में है। दिस बॉय इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड ब्रिंगिंग कोविड-19 टू पटना। नाउ वी आर स्केयर्ड दैट वी आर आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दिस फकिंग वायरस स्प्लिटिंग दिस बॉय। फॉर मी नो वायरस। सो यू कैन लुक हियर, दिस इज द मॉस्क्यू एंड दैट साइड इज द टेंपल। दिस इज द And this guy is the disease affected guy. Murle? So, this is Patna, all stores and marts, whatever is available here, shut. Everything closed except this petrol pump is open and medical shop and milk parlor is open. Close. दिखा दे